नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ 2019 में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर। तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मुराद होगी पूरी, EPS 95 सब्सक्राइबर्स को मिल सकती है खुशखबरी। जी हाँ फ्रेंड्स, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग पर अड़े EPS 95 सब्सक्राइबर्स को खुशखबरी मिल सकती है। बीते शनिवार को 27 राज्यों से आई EPS 95 सब्सक्राइबर्स ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया और 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को जोर शोर से उठाया। INS की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सभी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत वेतन पाने वाले पेंशन भोगी थे। जी हाँ फ्रेंड्स, वेतन भोगियों के एक दल ने PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से शुक्रवार को मुलाकात कर मेमोरेंडम सौंपा था और इसके जरिए बताया था कि सरकार एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की अनदेखी कर रही है। EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी के सचिव वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर सरकार ने 25 जनवरी तक उनकी मांगों को नहीं माना तो संगठन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, हालांकि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को जरूर सुनेगी। इस प्रदर्शन में शामिल 65 साल की एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि सरकार को हमारी मांगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुश्किल से मिलने वाली हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में गया, ये हमारा पैसा है जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी मांगे कोशरी कमेटी के अनुरूप ही हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।